कांग्रेस के योगी सरकार ने गांधी जयंती पर विधानसभा विशेष सत्र बुलाया था, जहां एसपी बीएसपी सहित कांग्रेस ने इसका विरोध जताया था, तो वही रायबरेली की कांग्रेसी अदिति सिंह यहां पर पहुंची, जिस वजह से शामिल होने वाली विधायक अदिति सिंह को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जवाब देने के लिए अदिति सिंह को 2 दिन का समय दिया गया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता रायबरेली में अपनी ही विधायक अदिति सिंह के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के मना करने के बाद भी विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने वाली कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने हाल ही में जिले में विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की है। इस बीच कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजय कुमार लल्लू ने अदिति सिंह को नोटिस जारी करते हुए पार्टी की ओर से मना किए जाने के बावजूद विशेष सत्र में शामिल होने को लेकर जवाब मांगा है। कांग्रेस की ओर से नोटिस जारी किए जाने पर विधायक अदिति सिंह ने कहा, मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है, उन्होंने मीडिया में बांट दिया लेकिन मुझे नहीं दिया गया। कांग्रेस विधानमंडल के नेता मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल अदिति सिंह ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर विधानसभा में भाषण दिया। अदिति ने सदन में उस समय भाषण दिया जब योगी सरकार के खिलाफ पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। इससे पहले अदिति सिंह ने अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया था। हालांकि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने गांधी जयंती से पहले ऐलान किया था कि पार्टी के विधायक सदन का बहिष्कार करेंगे। इस बीच सरकार ने कांग्रेस विधायक अदिति सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। बीते दिनों रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पेश होने को लेकर रायबरेली टोल प्लाजा पर अदिति सिंह पर हमला हुआ था। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, तो वहीं अदिति सिंह के खिलाफ अपनी ही पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अदिति सिंह को पार्टी से इस्तीफा ना देना पड़ जाए। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।